Hi guys, this is Dua Malik and welcome to Tuck on the Field. I've got this Pakistani superstar and the captain of Karachi Kings, Imad Wasim, here with me today. Assalamu alaikum, Imad. Kaise hain aap? Alhamdulillah, apne. Bilkul theek. Kaisa safar ja raha hai aapka? Zabardast, abhi tak to start of the tournament. Mm-hmm. It's been really nice. So, mm-hmm. yeah. Okay, Imad, hamare teen segments hain is show mein. Jo sabse pehla segment hai halke pulke sawal, jisme main karungi aapse halke pulke sawal aur aap denge mujhe jawab unke bare mein, apne bare mein batayenge. पहला सवाल मेरा ये है कि जब आप अपने ग्राउंड में जाते हैं गेम खेलने के लिए तो अपने आप से क्या बात करके जाते हैं, किस तरह मोटिवेट करके जाते हैं? I used to watch a lot of motivational speeches before going to the ground because of getting the pressure off, but now I'm used to it, so we just go out there and enjoy the game. अच्छा, जब अंडर 19 कैप्टेंसी आपने की तो जाहिर सी बात है बड़ी मेमोरीज होती हैं, दोस्तियां भी होती हैं, राइवलरीज भी होती हैं, तो सबसे मेमोरेबल राइवलरी कौन सी थी? आई थिंक वी मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ विनिंग द गेम्स फॉर पाकिस्तान अंडर 19. आई थिंक वो फैंटास्टिक था, ऑस्ट्रेलिया जाके उन्हें हराना, इंग्लैंड जाके उन्हें हराना. आई थिंक वो जो हमारा मोमेंटम था टिल वर्ल्ड कप, इट वॉज फैंटास्टिक, सो आई रियली लव दैट. इमाद, जब हम फेमस होते हैं जाहिर सी बात है तो हमारी बहुत सारी चीज़ें लोगों को अच्छी भी लगती हैं और बुरी भी लगती हैं. चैंपियंस ट्रॉफी में आपके हेयर कट के बारे में बड़ी बातें की गई थी, उसके बारे में कैसा महसूस होता है, कैसे उसको आपने फेस किया? आई एंजॉय दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट आई ऑलरेडी टोल्ड इन कपल ऑफ इंटरव्यूज दैट व्हेन आई गो इन द फील्ड आई डोंट डू फैशन. It was just for the. You're not fond of fashion? No, not inside the ground. Outside the ground, you can see me. It's different. But inside the ground, it's. You're only playing, or आपका सारा ध्यान खेलने पे होता है. Obviously, so whatever required, के बाल आगे ना आ जाएं, इस तरह ना हो जाए. बिल्कुल, बिल्कुल. अच्छा, Wales में पैदा हुए और खेले पाकिस्तान के लिए. कैसा महसूस होता है? दिल चाहता है कि मैं इंग्लैंड के लिए खेलता या पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत थी? No, really proud because all of my family, like most of them, my family, they lived in Pakistan. So I think I'm a very patriotic person and I love playing for Pakistan. No matter, even if they want me to play for Wales, England, whatever, I won't go because I love Pakistan. और PSL के लिए खेल के कैसे लगा? It's been fantastic. 3 years in a row with the same team. Great owners, great people. So I think you enjoy. I'm loving. So how do you spend your free time? जब आप फारिग होते हैं, आपके टूर्नामेंट्स भी नहीं होते? यूजुअली ऐसा होता नहीं है. यू गो देन प्रैक्टिस ट्रेन, बट या यू गो आउट ऑफ कंट्री फॉर अ लिटिल व्हाइल, यू जस्ट चिल, रिलैक्स एंड देन कम बैक. सो आई थिंक गोइंग आउट ऑफ द कंट्री इज द बेस्ट थिंग फॉर मी. ग्रेट, ग्रेट. सो यू एंजॉय ट्रैवलिंग, राइट? या, आई डू. सो दैट वाज आवर फर्स्ट सेगमेंट, हल्के फुल्के सवाल. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वन, व्हिच इज टक टाइजर पावर प्ले. मैं आपको एक दूंगी ट्रॉली जिसमें टक बिस्किट होंगे और बताऊंगी एक प्लेयर का नाम. आपने उस बिस्किट को इंग्रेडिएंट्स से सजाना है या बनाना है सोचते हुए उस प्लेयर की पर्सनालिटी के बारे में. सो लेट्स डू इट. सो गाइस, लेट्स डू दिस टक टाइजर पावर प्ले. आपके पास है ये बिस्किट्स, टक बिस्किट्स और कुछ इंग्रेडिएंट्स. आपको ड्रेसअप करना है इस बिस्किट को आपके कोच मिकी आर्थर को जहन में रखते हुए. तीन इंग्रेडिएंट्स आपने यूज करना है. How would you do that? Obviously, when we were playing the game, coach बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है. हाँ, तो उसके लिए, उसके लिए सबसे पहले डालें उस पे चाट मसाला मिकी पे, जो कि खास तौर पे माद ने मंगवाया है, जो यहाँ मौजूद नहीं था. उसके बाद पेपरोनी. Why pepperoni? He loves it. He don't loves it. It's just red. Red color. He gets angry. He gets like. He becomes like a pepperoni. Oh my very days! Red. And what's next? He turns next? Red. And then when the game finishes, and then he's be like corn. He cool. becomes corny. Yes, very corny. So I think that's Mickey Arthur for you. ये बड़ा spicy सा पहला appetizer बनाया हमारा. You want to have it, Imad? Can't have that. You can't have that. Nah, I can't have Mickey Arthur. But it's amazing and it's a different it's nice. One. So thank you, Imad, and You're let's welcome. Move on to the next segment. चलते हैं तीसरे सेगमेंट की तरफ, फ्लिपर्स राउंड. मैं पूछूंगी आपसे रैपिडली कुछ क्वेश्चंस और आपने जल्दी जल्दी जवाब देना है, मगर इसके साथ साथ एक बॉल को बैट पे बाउंस भी करते रहना है. लेट्स डू दैट. स्टार्ट. कराची, इस्लामाबाद. कराची. अंडर 19 कैप्टन या कराची किंग्स के कैप्टन? कराची किंग्स. फ्लाइटर और स्ट्रेटर? स्ट्रेटर. मिकी आर्थर या अजहर महमूद? बोथ. डायमंड क्रिकेट ग्राउंड के बारे में सुनते ही पहला लफ्ज क्या आता है जहन में?
I grew up there. I played four diamonds. So yeah. And you love that place. Yes. HBL PSL ki pehli wicket. Oh, that's a big question. I don't know. Kit bag mein aakhri cheez kya rakhte hain? Bat. Favorite pop song? Favorite pop song? Huh. I don't like pop songs. Over the wicket or around the wicket? Over the wicket. That's great. So we are done with the flippers round. बड़ा मजा आया. इमाद ने बड़ी जल्दी जल्दी सारे सवालों के जवाब दिए और इनकी concentration भी कहीं नहीं गई. Thank you so much, Imad, for being with us, and I hope to see you again. Thank you. But before leaving, you have to sign this ball for me. Sure. Thank you. Sure. Thank you so much, Imad. Welcome. Hulka pulka.